वही कैंडी क्यों आ जाती है मेरे काम में। व्हाइट कपड़े को व्हाइट रखना सबसे ज्यादा आसान तरीका क्या है पता? ऐसे पानी में बहुत ज्यादा मतलब गंदा हो तो फिर थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, नहीं तो कोई भी सार्फ डाल दो। जैसे मेरा लिक्विड वाला है, मैं थोड़ा सा ज्यादा दूंगी क्योंकि बहुत सारा है। देने के बाद ना वैनिश डाल दो, इतना अच्छा साफ होता है मतलब व्हाइट इतना अच्छा हो जाता है मतलब सोचो ही मत। थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है, जैसे मेरा इसमें करीब दो ढक्कन जैसे दिया मैं सारे व्हाइट कपड़ा एक साइड। आधा घंटा एक घंटा रखना पड़ता है, नहीं तो तुरंत साफ तो होगा ही नहीं कोई भी कपड़ा। और एक डब्बा में ना ये वाला दे दूंगी, जितना लाइट कलर है सारे डालूंगी, वो भी ऐसे वैनिश के साथ और साफ देके। ये भी इतना मतलब बच्चे का तो थोड़ा सा गंदा ही होता ही है ना, इतना अच्छे खासा साफ हो जाता है ना। आज भी मौसम एकदम बादल बादल। कैंडी थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है, बड़े मतलब हम लोगों का जैसे बड़े है उन लोगों का इतना डालना नहीं पड़ेगा, बच्चे का थोड़ा सा डालना पड़ेगा। व्हाइट और पिंक में तो कुछ फर्क है ही नहीं, ये भी इतना जल्दी गंदा हो जाता है ना, मतलब गंदा मतलब गंदा तो सब कपड़ा ही होता है, लाइट है इसलिए ज्यादा दिखता है। इसको भी भिगो के आधा एक घंटा छोड़ दूंगी। आज भी मौसम बादल बादल है, थोड़ा बहुत धूप आ रही है, थोड़ा हवा बहुत है आज एकदम तेज तेज हवा। इसमें ज्यादा भी गिर जाए तो कुछ होता नहीं है, ऐसे थोड़ा सा पानी लेके धरना पड़ता है। आधा घंटा के लिए ना ऐसे व्हाइट कपड़े ना, आधा घंटा भी नहीं 15 मिनट ही काफी भी होता है इनसे, मतलब जितना बाकी था ना और हो जाता है। आज तो धूप है नहीं, नहीं तो व्हाइट कपड़ा सबसे ज्यादा ना धूप में देना ज्यादा अच्छा होता है। गाना चाहते हैं फिर गाना चाहते शाम ढली और नहीं बोल के रात से कि शाम हुआ ढली, जब भी हो शाम हो की शाम हो चुकी है मतलब बारिश बारिश में दोपहर में खाना भी खा के आराम से नींद नहीं लिया बैठ गई थी, तभी बिस्ती आई है। कहाँ है बिस्ती ऐसे लगा के चला रही है। तो खाना वगैरह भी इतना आज कॉर्नेट मिल्क का बनाऊंगी, मतलब मिठाई मेड जो मिठाई मेड भूल गया जो भी हो, वो 130 ग्राम लिया और बाटा है 50 ग्राम, अच्छे से बीट करेगी उसको घाटा। 100 ग्राम मैदा, इसमें चीनी देने के लिए जरूरत नहीं एक्स्ट्रा क्योंकि ऑलरेडी कॉन्डेंस मिल्क मीठा है, इसमें मैदा के साथ ही दे दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, अभी एक साथ बीट करूंगी। कर बीट, अरे पहले तो थोड़ा बुद्धू लोगों का ऐसे ही होता है, पहले से घोलना पड़ता है। कैंडी होता ना ऐसे आवाज में था ऐसे शायर मिला, और जरूरत पड़े तो थोड़ा सा दूध 1-2 टेबल स्पून जैसा,
नॉर्मल मतलब घर मतलब रूम पे रूम टेम्परेचर पे ऐसे नहीं है गुनगुना गर्म ऐसे ठंडा। तो मैं 4 टेबल स्पून जैसा दिया, अरे ये बंद कर, अभी 1 टीस्पून जैसा वैनिला उसका हाफ भी दे सकते हो, अरे पूरा गिर जाएगी। मैं 1/2 टेबल स्पून जैसा दिया क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है मेरा वाला, कोई भी मतलब ऐसे टूटी फूटी मिलाने से मतलब उससे पहले ना थोड़ा सा मैदा इसमें मिला लीजिए, नहीं तो ना सारे मतलब देंगे ना सारे नीचे हो जाएगी, ऊपर कोई कुछ नहीं दिखेगा, सारे देखो सब नीचे नीचे आ रहे होती है। थोड़ा सा मैदा इसमें मिला लीजिए, तब देखना ऊपर बीच में हर जगह में मिल सकता मतलब मिलेगा। बिस्टिया आ जा, उससे पहले ऐसे तेल लगा के इसमें मैदा छिड़क दीजिए, और इस मैं गैस में बनाऊंगी, जिसमें बनाऊंगी उसमें पहले ही प्रीहीट करने रख। छोटा सा नन्ना सा केक होगी पता, अभी आधा देने के बाद डाल दो ए क्या बोलते हैं मुरब्बा, मुझे ना केक के अंदर मुझे इतना अच्छा लगता है ना मुरब्बा, सबको अच्छा लगता है शायद। इसलिए और थोड़ा सा दूध मिला सकते, तेरे लिए मैं ना दूध मिला है नहीं, और थोड़ा सा नहीं नहीं कर रहा था, ये डाल दे बाकी। आधा ब्लॉग हो गया आज, कितना टाइम लगा ये। फिर से ऊपर से कुछ देना है तो दे दो, नहीं तो ना मत दो। मेरा केक में आज ना सिर्फ केक कम ए मैदा कम टूटी फूटी ज्यादा मिलेगी आज, मतलब बोलने का मैदा मतलब क्या करे बिस्टिया अंधेरा हो गए, मैदा का मतलब केक कम टूटी फूटी ज्यादा। अभी इसको ना मीडियम आंच में कर देती हूँ, इसको 20 मिनट में बिल्कुल नहीं हाथ लगाऊंगी, 20 मिनट के बाद उसको खोलूंगी चेक करूंगी। टैन टैना कैंडी मतन, अरे देखो अरे दे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, देखो देखा मैदा मिला दिया था ना इसलिए ऊपर सब है, नहीं तो सर ना आमदा नीचे हो जाता है। अरे देखो कितना स्पॉन्जी पॉन्जी सॉफ्ट सॉफ्ट, इसमें थोड़ा सा रखूंगी उसके बाद में काटूंगी जब दिखाऊंगी। अरे इधर बन रही है खीर, सफेद वाला खीर, अरे एक ही है एनवेलियम का क्यों रखा हुआ था, स्टील में ना मोटा वाला है नहीं खीर बनाने वाला, नहीं तो ना बाकी बाकी जो है ये हो जाएगी नीचे जल जाएगी। अरे ये एक ही है जो उसमें नॉनवेज का भी बना ली, इसलिए भगवान को मैं दे सकती हूँ। इसको हम लोग ओल बोलते हैं, कोई जमीकांद बोलते हैं, इसके इंग्रेजी नाम भूल गई बता याद ही नहीं आ रहे। तो इसके मैं बॉईल करके फ्राई कर लिया नमक हल्दी दे के, इससे कढ़ाई मस्टर्ड ऑयल दिया, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ऑनियन है, जीरा है, धनिया है, चिली पाउडर है और हल्दी पाउडर, सारे एक साथ दे दिया, जीरा और छोटे इलायची, तभी इसमें मसाला डाल देते हैं, इसे भूनेंगे। काट के रखे थे ना, देखो जिस साइड कटा हुआ रहेगा जैसे काला काला हो जाएगी, तो मसाला मेरा भुन गया, मैं इसको डाल दो डाल दो डाल देते हैं। ऐसे मैं एक कॉपी कर किया, वो दूसरे बात बोलते मैं दूसरा बोल दी, कैन झिनो बोल डाल 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 दो डाल दो। ऐसे सूखा चाहिए तो सूखा भी उतार सकते हो, नहीं तो कभी कभी ना दही फेंट के भी देने से भी अच्छा लगता है। तो जो मैं लूंगी गैस बंद करके थोड़ा सा ना दूध, ये ऑप्शनल है, तो
मुझे थोड़ा सा क्रीमी क्रीमी चाहिए था, तो फेस क्रीम भी दे सकते हो। तो लोग बोलेगी यही सब्जी के लिए कौन इतना खर्चा करेगी, तो इसलिए नहीं। बहुत टेस्टी होता है इसका मसाला, भी इतना टेस्टी होता है ना। तो मैं कर दूंगी अभी गैस को बंद करके भी ढक के रख दूंगी। मैं बॉईल नहीं ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि दूध है, फटने का चांसेस ज्यादा। ढक के रख दो। खाना वगैरह सारा बन चुके हैं, थोड़ा सा बैठूंगी फिर उसके बाद खाना सर्व करूंगी। मजा लग गया था दोनों को देखो। आटा लेके आई, कितना सारा मेरा आटा लेके आके सब खराब कर दी। क्या किया, क्या बनाया? वेस्ट करते। और एक को देखो, ये पूरा मैं मैदा गूंदा था ऑयल लेके, तो पूरा एक कर दिया, मतलब तेल नीचे जमीन पर पूरा तेल तेल है। आज ना थकान हो गया, आज की पता नहीं गर्मी भी बहुत है। खाना बना कल थे ना, खाना बना कर मैं थक रही हूँ, थक रही हूँ, थक। अजीब सा हिंदी। कैंडी जी तू बोले देखो पापा का खाना। ये प्लेन केक ही बना है, उसको क्रीम वाला केक पसंद नहीं है। थ्री टाइप का फ्राई है, आलू काकरोल परवल, पांच किया नहीं, रोटी चावल दाल मूंग की दाल मिक्स वेज, वो जो ओल का बोला था जमी का, उसका सब्जी चिकन फिश खीर और मटन। आज का मेनू। बर्थडे बॉय कहाँ है? खाना वगैरह कंप्लीट हो गया, ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया। कैंडी हमेशा ही जैसे दीदी का ड्रेस पहनता था, वो भी आज भी पहन लिए। बाय बाय करो। कोई देखी आज भी रात को झिनुक का कपड़ा पहन लिया, उसका है ही नहीं कपड़ा। तो झिनुक कैंडी कल क्या क्या मिला था, तब बुलाया नहीं था, जो भी है बहुत है, क्योंकि हम लोगों का जो ट्रांसफर जॉब में थोड़ा बहुत भी मिलता है मतलब हेडेक हो जाता है, फिर वो ले जाना है पैक करके, ऐसे ही तो घर का कितना हो जाता है। तो वीडियो करते हुए ख़त्म। इसके लिए बहुत दबा के बारिश हो रही है, तो नींद आएगी बहुत अच्छे से एकदम। ऐसे भी आज हेडेक हो रही है बहुत, सारे फेंक दिया। तो वीडियो करते इधर ही ख़त्म। टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं कल नया ब्लॉग के साथ। जल्दी आइए, बाय, गुड नाइट। ये देखो झिनु कैंडी का क्या क्या मिला।